मैच शुरू हो गए। शुरुआत तो तुम कर चुकी हो अस्का, जब तक इस घर में थी हर वक्त हंगामा खड़ा रखती थी। शोर फसाद ये सब तो तुम्हें बहुत पसंद है ना। अब वहां गई हो इतनी मेहनत मुश्किलात के साथ अल्तमश को हासिल करके, फिर भी रोती शोर मचाती हुई आ रही हो। लेकिन उन्हें सिर्फ आप अजीज हैं, क्या ये आपके लिए रिगार्ड नहीं? ये तो आप कहती है ना, खुर्शीद ने तो मुझसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। क्या क्या नहीं कहा? क्या सुनना है आपने? यही कि वो मुझे पसंद करता है या फिर मुझसे मोहब्बत करता है। पापा, आपको उनकी निगाहों की जबान समझ नहीं आती? नहीं, मैं क्यों समझूं? वो भी तो कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं। मसलन क्या क्या नहीं समझ आता? यही कि हमारे दरमियान जो रिश्ता है उसे अल्फाज की जरूरत है, लफ्जों का मोहताज है ये रिश्ता। आप कहती हैं कि खुर्शीद मुझे पसंद करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मैं मान लेती हूँ, पर उसने तो कभी मुझसे इजहार नहीं किया। ये उसकी जिद है, उसकी अना है, उसकी शरारत है, या फिर मुझे आजमाने की कोई ख्वाहिश, मैं नहीं जानती, पर मुझे मंजूर है। क्योंकि जैसा आप कहती हैं ऐसे ही बाबा भी कहते हैं। तो फिर मैं इंतज़ार करूँगी कि खुर्शीद अपने मुँह से खुद मुझसे इजहार मोहब्बत करे, इजहार करे कि वो मुझे पसंद करता है। मैं जानती हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जब वो मुझे खुद अपने मुँह से कहेगा कि वो मुझे पसंद करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। और तब आपका जवाब क्या होगा रुतबा? मेरा जवाब होगा कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो खुर्शीद से सीखा है। फिर वो सब्र हो, बर्दाश्त हो, या फिर वहां पर Oh,
सुबह से सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, चाहे वो तालिब इल्म हो या सातजा। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ खेलकूद और तफरी नहीं, बल्कि एहसास दिलाना भी था कि जिंदगी का हुस्न जो है वो ना को हाँ में बदलने में है, कांटों को फूलों में, तकलीफों को राहतों में तब्दील करने में, नाकामियों को शिकस्त देकर कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने में, और उन लोगों की जिंदगियों को देखने में है जिन्हें आज हम रास्ते में देखते हुए आए। जहां आज से 40-50 साल पहले कोई रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, आज वो रास्ते आबाद हैं, हरे रास्ते आबाद हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे लोगों की मेहनत थी, कुछ कर दिखाने का जज्बा था। जैसे आज हम यहाँ आपकी कामयाबियों का जश्न मनाने आए हैं, ये सब भी आप ही की मेहनत और लगन का नतीजा है, और बेशक उस जात से है जिसने हमें इस काबिल समझा और लाखों करोड़ों लोगों में से हमें चुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख कर और अपने साथ लेकर जाएंगे। आप लोग सब यहाँ पे मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दोस्त भी हैं, और दोस्ती में कुछ चीज़ें सीखी जाती हैं और कुछ सिखाई जाती हैं। बस एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि महंगी गाड़ियाँ, महंगा लिबास, इन सब से एक अच्छा इंसान और बड़ा इंसान नहीं बनता। अगर आप दुनिया जीतने का हुनर जानते हैं इल्म और सोच की ताकत से, तो चाहे आपने एक सादा लिबास पहना हो या आपकी कलाई पे एक सस्ती घड़ी क्यों ना हो, लोग आपकी इज्जत करने पर दिल से मजबूर होंगे। और याद रखिएगा दोस्तों कि जिंदगी की हर आजमाइश पर खालिस और खरी चीजें पूरी उतरती हैं। मैं आप लोगों की हेल्प कर दूं? अरे नहीं रुतबा जी, हम आपको रुलाना नहीं चाहते। आपको तुम चीफ गेस्ट बनाकर लाए हैं, कोयलों से उलझेंगी तो आंखें सुर्ख और हाथ काले हो जाएंगे आपके। और हम मिसेस खुर्शीद हसन को चमकता दमकता खूबसूरत देखना चाहते हैं। आपको पता है क्या, अगर कोई काम मोहब्बत और खुलूस से किया जाए ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आंखें सुर्ख हो या फिर हाथ काले। तो लाए दीजिए, इस बात में तो बोलता है या डेफिनेटली। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि महंगी गाड़ियाँ, महंगा लिबास, इन सब से एक अच्छा इंसान और बड़ा इंसान नहीं बनता। अगर आप दुनिया जीतने का हुनर जानते हैं इल्म और सोच की ताकत से, तो चाहे आपने एक सादा लिबास पहना हो या आपकी कलाई पे एक सस्ती घड़ी क्यों ना हो, लोग आपकी इज्जत करने पर दिल से मजबूर होंगे। और याद रखिएगा दोस्तों कि जिंदगी की हर आजमाइश पर खालिस और खरी चीज़ें पूरी उतरती हैं। यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रही हो? ये कि तुम कितना अच्छा बोलते हो, जब तुम बात करते हो तो सब खामोश हो जाते हैं। काश मैं भी ऐसा बोल सकूं। तुम्हें पता है खामोशी की भी एक अपनी जबान होती है। एक बात बताऊं तुम्हें, भी अपनी आंखों से काफी कुछ बोल देती हो। बस कोशिश करो कि वही चीज लफ्जों में कन्वर्ट कर लो। ये कुछ कहने की कुछ ना कहने की बहस कब तक चलेगी? जब तक तुम रुतबा महर अली खान से रुतबा खुर्शीद हसन ना बन जाओ, तब तक तो ये बहस चलेगी। प्लीज आ जाइए, डिनर लग गया, आ जाइए जल्दी से।
तुम्हें अस्का पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था अल्तमश। वो तुम्हारी खाला की बेटी है और अब उसके सर पर मेहरअली भाई का हाथ है। आम शाम गई गुजरी यतीम उसकी लड़की नहीं है, तुम्हारा ये सलूक बर्दाश्त कर देगी। माजी जो किया बहुत अच्छा किया। चंद एकड़ के मामू ने उसके नाम पे कर दिए। कभी मुझसे मुकाबला करिए, कभी रुतबा से मुकाबला करिए। इतनी भी अकल नहीं है कि कव्वे का मुकाबला ना हंस से ना शाहीन से। हौसला रखो बेटा, हौसला। जमारन भी जब बादशाह की बीवी बन जाती है तो मलिका कहलाती है, खुद को मलिका समझती है। हाथ जरा हल्का रखो। औरतों को नरमी से समझाया जाता है, सख्ती से नहीं। पहले मोहब्बत के दौरे पड़ते थे उसे, अब होशियारी और चलाकी क्लासेस ले रही हो। बहुत अच्छा किया उस पर हाथ उठा के मैंने, उसे उसकी असल जगह बताई है मैंने। अच्छी तरह से जान गया उसको मैं। जो लोग मोहब्बत के बहाने हुकूमत करने के ख्वाब देखते हैं ना, उनकी किस्मत पे सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो उठो, मेरे साथ चलो, उसको मना के घर वापस लेकर आओ। अदीन अब भी वही रहने दे उसको, तो अभी लग रहा खुल के सांस आ रहा है। अकल तो नहीं हो गया तुम? मेहरअली भाई को पता चल गया तो वो तो क्या करेंगे मामू? हुक्मरानी नहीं करते मामू हम पे। अल्तमश किसी की नहीं सुनता, अपनी कहते और अपनी करते। अस्का को खुद ही मना के घर वापस लाना। मैंने कभी ये सब नहीं किया खुर्शीद, पता नहीं क्यों ये सब करना चाहते हैं। दिल चाहता है कि कुछ करना आता हो, फिर दिल चाहता है कि सब कुछ करना आता हो, फिर दिल चाहता है कि कोई अपना हो जिसके लिए सब कुछ किया जाए, फिर दिल चाहता है कि वो कहे रुतबा मेहरअली खान तुम्हें दिल जीतने का हुनर आता है। मैं ठीक। खाना लगा दूं? खाना आ गया? नहीं, और ना ही आइंदा लाने या मंगवाने की जरूरत, मैं खुद ही बना लिया करूंगी। तुम चेंज कर लो ना, मैं खाना टेबल पे लगा देते हैं। क्या 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 ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं खाना नहीं बना सकती क्या? तुम सब कुछ कर सकती हो तुम तो। मैं तुम्हें अंडरएस्टिमेट क्यों करूंगा? मैं 5 मिनट में चेंज करके आता हूँ, बहुत भूख लगी है। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुमने जहमत क्यों की है बनाने की। मैं रोज लाता तो हूँ खाना। वो कैंटीन का गंदा सा खाना
जिसको खाकर मेरे टेस्ट बड भी खराब हो गए हैं। दिल अजीब सा हर में खराब खराब रहता है, ऐसा लगता है किसी कसाई ने बनाया। मैंने सोच लिया है कि अब जो भी होगा लेकिन खाना मैं खुद ही बना लिया करूंगी। हाँ ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो, बस बाद में ये शिकायत ना करना कि जी रुतबा मेहर अली खान से मैं किचन में काम कर रहा हूँ। जो चीज मैं खुद अपनी खुशी और मर्जी से करूंगी इसमें शिकायत क्यों करूंगी? अपनी खुशी और मर्जी से तुमने निकाहनामा भी तो साइन किया था। ठीक है, अगर आइंदा तुमने मुझे ये ताना दिया ना तो सारे और उसी कैंटीन का खाना खाना पड़ेगा। नहीं नहीं सॉरी, प्लीज माफ कर दो, मुझे नहीं खाना वो कैंटीन में खाना सारी उम्र, मुझे प्लीज मेरा कीमती खाना वापस कर दो, बहुत भूख लगी है। कैसा बना खाना? बिल्कुल ऐसा कि सारी जिंदगी भी खाना पड़े ना तो शिकायत नहीं करूंगा। सफेद नवाए रिश्ते की बुनियाद ही है ना, मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ और ना तुम मुझसे। कहती हो तो छोड़ दूंगा, मेरे कहने के पाबंद। तुम्हारी अपनी मर्जी कुछ नहीं, मेरी मर्जी। पत्थर की देवी से टकरा कर मर्जी और अना के बहुत पहले भी छू छू रोए हैं, इस बार भी हो गए तो ना अना बचेगी और ना ही बरम, इसीलिए सोचा कि देवी की मर्जी का मान रख लो। तुम इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कैसे करते हो? मुश्किल बातें भी जब दिल तक पहुंच जाए तो अच्छा लगता है। दिल तक पहुंचने का इरादा है और वो भी कैंटीन का खाना खिलाकर रोज, मतलब तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि कभी मुझे कहो कि रुतबा आओ चलो बाहर चल के खाना खाते हैं, कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं। तुमने भी तो कभी नहीं कहा। तो मतलब मैं कहूंगी तो तुम करोगे, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, खुद से कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मैं कल स्टूडेंट्स के साथ जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है उसका खाना बहुत अच्छा है, तुम मेरे साथ चलोगी ना? पता है बहुत मुश्किल से खाना बनाया मैंने, खाओ तो सही। थोड़ा सा और लो ना। वापस आते हुए शायद देर हो जाए, रुतबा यहाँ अकेली है, अगर आप उसका ख्याल रख लीजिए। रुतबा का ख्याल तो रहेगा ना आपको पूरा दिन, मैं ज्यादा से ज्यादा हाल अहवाल पूछ लूंगी। थैंक यू, बड़ा एहसानमंद होगा मैं आपका।
पता नहीं किस आसेब का साया इस घर पे। दोनों बहनें एक दूसरे के खून की प्यासी हुई हुई हो, जैसे मेरी औलाद है नहीं है कोई गैर है। को बद्दुआ लग गई हम लोगों को। जाके समझा दे अपनी पागली बेटी, मेरे मुंह ना लगा कर बजाय क्यों मुझे सपोर्ट करे, मेरा दिमाग मजीद खराब करती है। मेरा दिमाग अल्तमश ने खराब कर दिया, मेरी ज़हनी हालत तबाह हो गई है मामा, मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्का बेटा, तुम यूं बगैर बताए चली आई। अगर कोई मसला था, शिकायत थी तो तुम मुझे बताती, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारी खाला हूँ। रौनक, तुम और अस्का ही तो हो मेरी जिंदगी में वाहिद बहार। छोटी छोटी बातों पे यूँ तुम लोग रूठने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी खुशियाँ हमसे रूक जाए, कभी सोचा है इस बारे में? इन जज्बाती बातें सब क्या होगा खाला, असल हकीकत तो ये है कि अल्तमश जानता ही नहीं कि मेरी क्या अहमियत है उसकी ज़िंदगी में। जब तक अल्तमश मुझे वो एहतराम और इज्जत नहीं देगा, तब तक मैं भी इस रिश्ते को कोई अहमियत नहीं दूंगी। इसका कैसे बात कर रही हो खाला से? थप्पड़ खा के मुँह से फूल तो नहीं झड़ते ना मामा? अल्तमश की जगह मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई। चलो बेटा, छोटी छोटी बातों को इतना नहीं बुरा मनाते, मैं तुम्हें रहने के लिए आई हूँ, तुम चलो मेरे साथ। आपा, आपकी माफ़ी की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं है कि इंसान भूल जाए। उसका बिल्कुल ठीक कह रही, वो जाएगी तो अल्तमश के साथ ही जाएगी। अलबत्ता अल्तमश की माजरत ज़रूर बनती है, और इस बात का वादा भी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो ज़रूर आता, लेकिन दो चार दिनों के लिए ज़मीनों पर गया है और ये कहकर गया है कि अस्का को घर वापस लेकर आना है। बेटा, घर की बात घर में हो ही जाएगी। चलो शाबाश, तो मेरे साथ चल। नहीं खाला, लेने तो मुझे अल्तमश खुद ही आएगा, और उसे मुझसे माफ़ी भी मांगनी हो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रुतबा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। खुश तो तुम्हें होना ही चाहिए, यहाँ की साजिशों से, लालच से, झूठ और धोखे की दुनिया से दूर चले गए। सुना है कि किसी छोटे मामूली से घर में रहती हो। खुश नसीब हो, मिनान सुकून और खुशी से जी रही। तुम कहना क्या चाहती हो, खुलकर कहो। सुनो रुतबा, अल्तमश से तुम्हारी शादी ना हो सकी, तुम्हारा निकाह खत्म हो गया। इन सब के पीछे मामू की कोई तदबीर या अल्तमश की बेवकूफियों का ही हाथ नहीं है, दिमागकारियां और साजिशें भी हैं। किसकी साजिशों की बात कर रही हो तुम? मेरी मामा यानी तुम्हारी फूफो और अस्का की बात कर। आरफा, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और अब तुम सुनो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। उसका बचपन से अल्तमश से मोहब्बत करती थी, उनके साथ किसी और को नहीं देखना चाहती थी। मुझे लगा कि तुम्हें ये बातें बतानी चाहिए, इसीलिए बता।
प्रतिभा, डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी कहाँ है? मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी रुखसती से पहले सेफली अल्तमश और सनोबर खाला तक पहुँचा दूँ। जेवरात और कागजात कहाँ पर है रुतबा? उस अल्तमश का नाम ले रही हूँ रुतबा, जिससे सेतपुर की जमीनों के एवज अस्का से निकाह की हामी भरी तुम उस खरीदार के हाथों अपना कीमती वजूद बेचना चाहती थी रुतबा, वो इंसान तो इस काबिल ही नहीं। मुझे यकीन है कि आप और आपके स्टूडेंट्स कामयाबी लेकर ही लौटेंगे। इंशाल्लाह, आई होप सो। मिसेस मीनू, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहिए। वो हमें वापस आते हुए शायद देर हो जाए, रुतबा यहाँ अकेली है, अगर आप उसका ख्याल रख लीजिए। रुतबा का ख्याल तो रहेगा ना आपको पूरा दिन, मैं ज्यादा से ज्यादा हाल अहवाल पूछ लूंगी। थैंक यू, बड़ा एहसानमंद होगा मैं आपका। ये चमकता चेहरा खुशखबरी सुना रहा है, लगता है कि आपके ताल्लुक का एतमाद और आपके प्यार का तड़का लग गया है। आज से पहले आपकी मुस्कुराहट का ये रंग नहीं देखा मैंने। आप जैसे दोस्त जो होते हैं ना, इंसान के लिए खुशकिस्मती होते हैं, जो कुछ कहे और सुने बगैर ही दिल का हाल समझ जाते हैं। आपने हमेशा मेरा दुख में भी साथ दिया है और खुशी में भी। थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। अलैकुम, बोलिए। मिसेस खुर्शीद हसन बात कर रही हैं? जी जी, बात कर रही हूँ। आपके गेस्ट है कोई अल्तमश साहब, क्या मैं उन्हें आपके पास भेज सकता हूँ? मिसेस खुर्शीद जी, भेज दीजिए। Thank you.
कैसी हो? अंदर आने का नहीं कहोगे? ये जगह तुम्हारे मुताबिक नहीं है, कैसे जी रही हो यहाँ पे? जिंदा रहने के लिए जिन सहारों को मैं जरूरी समझती थी, शायद वो सहारे जरूरी नहीं। जिंदा तो लोग जंगलों में भी रहते हैं, लेकिन जो फूल गुलिस्तान में खिलते हैं ना, वो मुरझा जाते हैं। खूबसूरत चीज की ना अपनी एक जगह होती है। तुम्हें यहाँ इस तरह से देखकर बहुत तकलीफ हुई है मुझे। तो क्यों आए हो? ये देखने कि मैं तकलीफ में हूँ? जमीनों पे जा रहा था, सोचा तुम्हें देखता चलूं। या शायद मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम मुझे देखना चाहती भी हो या नहीं। तुमने मिलने के लिए हाँ कह दी, मतलब मुझे देखना चाहती हो। हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, सर से लेकर पैर तक देखना चाहती थी। देखना चाहती थी कि तुम आज भी उतने ही पुरकशिश हो, तुम्हारी आंखों में वही चमक है और बातों में वही जादू। देखना चाहती थी कि तुम आज भी वही अल्तमश हो जिससे रुतबा मेहर अली खान ने इश्क किया। मैं आज भी वही अल्तमश हूं जो तुम्हारा दीवाना, वो आज भी तुम्हारा मजनू है, तुम्हारा साथ चाहता है। तुम्हें एक दफा हाँ कर दो, हम वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे जहां से मैं था और तुम थे, जहां ना कोई खुर्शीद थी थी। क्या ऐसा मुमकिन है अल्तमश? जब तक हमारे वजूद में सांसें बाकी है, जब तक हमारे दिलों में धड़कने बाकी है, तब तक सब कुछ मुमकिन है। तुम्हें एक दफा हाँ कर तो मैं हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दूंगा। सॉरी वो फरशीद ने कहा था आपका ख्याल रखने के लिए। रुतबा, अगर कोई चीज चाहिए, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए मुझे। थैंक यू मिस्टर ज़मीन।
ये मेरे कजिन हैं अल्तमश, मिलने आए थे पर अब वापस जा रहे हैं। गाड़ी तक ही छोड़ फिर न जाने कब मुलाकात। जरूर अल्तमश, आइंदा यहाँ मत आना। खुर्शीद घर पे नहीं था तो मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, होता तो कभी इजाजत न लेती। रुतबा मेरे लिए, तुम खुर्शीद से डरती हो। तुम भी अस्का को बताकर तो नहीं आए होगे, वो भी सबसे बेखबर होगी। एक ना एक दिन तो सबको खबर हो ही जाएगी रुद्वा। दिल मजबूत रखो। दिल को मजबूत ही तो क्या है, तभी तो तुमसे मिली, वरना तो तुमसे मिलने से पहले 100 बार सोचती। मुझे खबर थी कि खुर्शीद यहाँ पे नहीं है, इसीलिए बेधड़क चला है। अगली दफा आने से पहले तुम्हें कॉल करता हूँ। वैसे रुतबा, मुझसे मिलने के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, गलत को मिटाने की जरूरत होती है, दुरुस्त को नहीं। मिस्टर सिंह, दरअसल एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। मैं नहीं चाहती कि खुर्शीद को पता चले कि अल्तमश यहाँ आया था। ठीक है। थैंक यू सो मच।